बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन फील्ड टारगेट OFT। तो आज दोनों भाइयों का फाइट करने जा रहा हूँ। तो फैमिली है जे स्मिथ एंड कंपनी। बड़े भाई ये हाइपर इंपैक्ट, ये 10 गेंस का पैलेट है, और छोटा भाई है सुपर इंपैक्ट, ये 8.7 गेंस का पैलेट है। थोड़ा सा हेड में डिफर करता है, तो ये जो हाइपर इंपैक्ट है इसका जो हेड है थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो सुपर इंपैक्ट है इसका जो हेड है ये थोड़ा सा हेड थोड़ा सा छोटा है। तो नाम भी सही दिया, हाइपर इंपैक्ट सुपर इंपैक्ट। तो ये दोनों इंपैक्ट दोनों भाई का ये घर घर की कहानी है, छोड़िए उसको, अलग सा बात है। तो ये दोनों का फाइट आज करेंगे। मेरे पास ये राइफल है AK-600, AK एयरगन का बना हुआ प्रोडक्ट है, ये टैप लोडर है, यहाँ से पैलेट डाल के इसको बंद करके फिर शूट करना पड़ेगा, और क्लॉक जो कॉक किया था यहाँ की, यहाँ से कॉक करके शूट होगा। तो ये राइफल भी काफ़ी सही है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बट एक्यूरेसी देता है। तो ये दोनों पैलेट का ग्रुप आज ये राइफल से टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो 6 शॉट का ग्रुपिंग होगा, तो बड़े मियाँ और ये हो गया आपका छोटे मियाँ। छोटे इसका हाइट भी छोटा है, हेड भी थोड़ा सा छोटा है, उसलिए उसको छोटे मियाँ बोल रहा है। और ये इसका गेन भी थोड़ा ज़्यादा है उससे, और इसका जो हेड है ये भी थोड़ा इससे बड़ा है, तो उसीलिए इसको बड़े भाई पकड़ के चला। टारगेट मैंने फिट किया है यहाँ से 70 फीट दूरी पे, अप्रॉक्स 20 मीटर्स यहाँ से लगभग दूर होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हिट करूँगा सुपर इंपैक्ट, ये छोटा भाई है, इसका परफॉर्मेंस देखूँगा। 6 शॉट का ग्रुपिंग होगा, चलिए छोटे भाई का कंप्लीट हो गया सुपर इंपैक्ट, 8.7 गन का 6 का शॉट हो गया।
अभी बड़े भाई का बारी है हाइपर इम्पैक्ट, ये 10 गेंस का पैलेट है, तो देखे ये कैसा देगा। हाइपर इम्पैक्ट को डायने तरफ मारेगा, ओके, डायना जो टारगेट है उसमें हिट मैं करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, दोनों प्लेट का ग्रुपिंग ख़त्म हो गया। पहले बायां तरफ सुपर इम्पैक्ट छोटे भाई, इसको चलाया 6 का ग्रुपिंग, और बाद में हाइपर इम्पैक्ट ये बड़े भाई है, तो इसको डायने तरफ चलाया। तो देखिए जो भी रिजल्ट होगा आपका सामने होगा, साफ सुथरा हिसाब रिजल्ट है, कोई भी लुका चुरी का यहाँ पे लुका छुपी का कोई बात नहीं है। जो भी आएगा मैं वो आपको हर वीडियो में दिखाने का कोशिश करता हूँ, से जो चाहे बुरा हो या सही हो, अच्छा हो, जो भी हो। तो आज भी मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा अच्छा ग्रुपिंग नहीं आया, फिर भी आपको दिखाएंगे जो कैसा ग्रुपिंग, नज़दीक से जाके दिखाएंगे कैसा आया नहीं आया। ग्रुपिंग आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और शूटिंग अच्छा लगे तो वो भी बताएंगे, और क्या ग्रुपिंग अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी मुझे जानने का आपसे कोशिश रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नज़दीक से अभी ग्रुपिंग को देख लेता है एक बार।
देखिए दोस्तों, इस तरफ मैंने हिट किया था, लेफ्ट में सुपर इम्पैक्ट और राइट में हाइपर इम्पैक्ट। ये 8.7 गेन का पेलेट का हिट हुआ टारगेट है और ये 10 गेन्स का पेलेट का हिट हुआ टारगेट है। तो मैंने टारगेट किया था AK-600, AK इंडस्ट्रीज का गन बढ़िया है, लेकिन आज जो ग्रुपिंग मुझको दिखा अच्छा नहीं है। तो 6 शॉट का ग्रुपिंग किया था तो तीनों शॉट सुपर इम्पैक्ट का तीनों शॉट यहाँ पे लगा, 1, 2, 3, और 4 और तीनों कहाँ लगा मुझे, शायद यहाँ पे लगा होगा, अभी मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ से ये लकड़ी में पहले बहुत हिट किया, बहुत सारे निशानी है पेलेट का, तो आपको सही से नहीं बता पाऊँगा कहाँ पे हिट हुआ, कहाँ कितना बाहर गया। मुझे लगता है यहाँ कोई इसमें कोई होगा, लेकिन 1, 2, 3 ये है, लेकिन सुपर इम्पैक्ट का ग्रुपिंग यहाँ पे आज ठीक सही नहीं दिया। और हाइपर इम्पैक्ट को देखिए, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 6 शायद यहाँ यहाँ पे लगा होगा, नज़दीकी है लेकिन थोड़ा सा बाहर में है। टारगेट छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा टारगेट है, तो उसीलिए थोड़ा बड़ा टारगेट लेगा तो ग्रुपिंग ये बाहर का आ जाता, आपको दिखा सकता। लेकिन यहाँ पे जो हुआ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इसका, तो ये ग्रुपिंग दोनों का ग्रुपिंग सही है, ये बाहर में है, ये थोड़ा बाहर में है। तो आज का ग्रुपिंग अच्छा नहीं दिया AK में, तो उसी हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये फिर भी इतना सा छोटा सा 20 मीटर्स दूरी से वो AK-600 इतना हिट कर रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए दूरिया बहुत ज़्यादा था, ये शायद 10 मीटर होगा, 10 मीटर मैंने लिया होता तो इसका टारगेट ज़्यादा होता। मैं पहले भी शूट किया हूँ 10 मीटर में, 15 मीटर में, इसका AK का AK इंडस्ट्रीज या AK-600 जो राइफल है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता, लेकिन 20 मीटर्स में इसका पेलेट इधर उधर हो रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 20 मीटर्स दूरी में आपको AK-600 से शूट करना नहीं चाहिए, जो एमिंग हो जीरो जीरो के जीरो में मारना हो और ग्रुपिंग वगैरह कोई वीडियो या शूटिंग करना हो, टारगेट प्रैक्टिस करना हो, तो AK से नहीं होगा, क्योंकि पेलेट इधर उधर हो रहा है, बार में भी लगा, यहाँ पे बार में लगा। चलिए इतना तक सही है जो भी मुझे लगा। आपका कोई एडवाइस होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था आज का वीडियो। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में आप बात कीजिए, दूसरा कुछ टॉपिक में आप बात मत कीजिए। ये जो आज का जो AK-600 राइफल है, ये जो ग्रुपिंग है, ये जो टारगेट मैंने लिया, जितना दूरी तक मैंने टारगेट लिया, इस सब के सही हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बात कीजिएगा तो मुझे बहुत मेहरबानी होगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।